स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग मॉड्यूलस, लेक्चर नंबर 13। ये 13 लेक्चर अपना चल रहा है, ठीक है। इसका नंबरिंग आगे करा देते हैं। नाउ ये मॉड एक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा रहे? जब मॉड एक्स दिया तो एक्स का वैल्यू निकालो, जब एक्स दिया तो मॉड एक्स का वैल्यू निकालो। तीसरा पचा पढ़ा है, तीसरा क्या पढ़ा है रे? मॉड एक्स के डेफिनेशन से एक्स का वैल्यू निकालो। और चौथा क्या पढ़ रहे रे? सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वालिटी। जैसे इक्वालिटी है, नेक्स्ट टाइप में हम इन इक्वालिटी भी पढ़ेंगे। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है रे? क्रिटिकल पॉइंट्स। यदि कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, केवल वीडियो नहीं देखना, कॉपी पेन लेना, देखना, लिखना, सुनना, बार बार रिवाइज करना और एक दिन में दो से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना। इसके पहले मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक लिया है, उसको भी व्यू करना, क्योंकि इनइक्वालिटी समझ में आए तो मॉड्यूलस बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। नाउ सॉल्यूशन। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, इसको जीरो कर दिया, एक्स इक्वल टू 3 आया, इसको जीरो कर दिया, एक्स इक्वल टू -1 आया। क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स इक्वल टू -1, 3। ये क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से लाइन पे ड्रॉ करना रे? रियल लाइन पे ड्रॉ करना। यदि क्रिटिकल पॉइंट 2 है तो रीजन कितने होंगे रे? 3। क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो रीजन कितने होंगे रे? 4। दिस इज एक्स इक्वल टू -1, दिस इज एक्स इक्वल टू 3। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा देते। देखो भाई, ये रीजन क्या है रे? एक्स लेस देन -1। ये रीजन क्या है रे? -1 के राइट में है तो इक्वल टू आएगा, और 3 के लेफ्ट में है इसीलिए लेस देन आएगा। और ये क्या होगा रे? राइट में है तो 3 टू इन्फिनिटी, 3 इज इंक्लूडेड। सो -1 पहले रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, -1 दूसरे रीजन में इंक्लूडेड है, 3 दूसरे में इंक्लूडेड नहीं है, 3 तीसरे में इंक्लूडेड है। नाउ ये रीजन जो है, ये एक्स इक्वल टू -1 के लेफ्ट में है और एक्स इक्वल टू 3 के भी लेफ्ट में है, तो दोनों ही मॉड्यूलस निगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। -x -3, इसमें ज़रा प्लस माइनस साइन होने, प्लस साइन माइनस साइन में गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए बी पर्टिकुलर इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। पंचट है ये, दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी पंचट, पंचटम रेस टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं। नो, दिस इज -3x, ये 1 है, उधर जाके +3 हुआ, दिस इज 3, एक्स इक्वल टू -1। देखो रीजन क्या है रे? एक्स लेस देन -1। आंसर क्या आया रे? -1। एक्स इक्वल टू -1, डू नॉट लाइज इन एक्स लेस देन -1, इसमें नहीं लाए कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, हेंस ये रीजन में नो सॉल्यूशन। ये रीजन -1 के राइट में है और 3 के लेफ्ट में है, लेफ्ट बोले तो इसको माइनस के साथ ओपन करना,
और दूसरे को प्लस के साथ ओपन करना, माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू सिक्स, टू एक्स माइनस एक्स एक्स, तीन और दो पाँच, छ माइनस पाँच दिस इज सिक्स माइनस फाइव, बोलो एक्स इक्वल टू वन ये दोनों के बीच में है क्या रे? यस, सो एक्स इक्वल टू वन इज इन द रेंज ऑफ चेक करते हैं माइनस वन के राइट में ये तो प्लस होगा, एक्स इक्वल टू थ्री ये माइनस होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू, दो नौ तीन पाँच, उधर जाके माइनस पाँच हुए, टू एक्स माइनस एक्स एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन इज इन द रीजन। मैंने यहाँ चार था, गलती से यहाँ छः ले लिया, क्योंकि ये रीजन में नहीं आ रहा है ना, एक्स इक्वल टू वन से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये टू आ रहा है, ये कुछ अलग आ रहा है। देखो अभी एक्स इक्वल टू माइनस वन इन द रीजन माइनस वन, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। कहीं कहीं लिखते हुए गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ में हम फंस जाते हैं और शिट कर देते, क्या कर देते, शिट होता है। ये दोनों के राइट में है तो दोनों के राइट में है तो दोनों भी क्या होंगे रे, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, माइनस वन उधर जाके फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री। ये रीजन तीन से बड़ा है, फाइव बाई थ्री ये दो से कम है तो दो से कम इसमें नहीं आ रहा है ना। डू नॉट लाइज इन द रीजन देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इधर हमने चार बराबर लिए थे क्या? बराबर लिए थे। ये रीजन में सॉल्यूशन नहीं है, ये रीजन में सॉल्यूशन नहीं है, सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, और वो ओनली वन सॉल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन। मिटा दूँ, सिंगेज ऑब्जेक्टिव में एक गलत क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, उसमें वो जो 5/3 था वो भी सॉल्यूशन लिया है, वो गलत है ना। सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड सम ऑफ सॉल्यूशन, हरे एक ही है, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन एक ही है। ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगेज में गलत सॉल्व करके दिया है, उसमें वो 5/3 को जो तीसरा था ना इधर का रीजन, उसको भी अंदर लिया था, वो गलत है। सो इट इज़ हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, सेटिस्फाई माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन प्लस फोर जीरो, ये जीरो हो गया, मॉड ऑफ माइनस फोर इज फोर एंड फोर इक्वल टू फोर हो गया, इक्वेशन इज, अरे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू रूट पाँच।
इसको जीरो सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे या मोर देन टू सॉल्यूशन होंगे, ये हमें बताना है। देखो रे, अरे देखो भाई, हमने बोला था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिखना। जरा देखो, पीछे जाके देखो रे, देखो देखो देखो, पीछे जाको, अपनी अपनी कॉपी देखो। एंड व्हाट इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर? अरे बोलो ना। नहीं बोलेंगे, मत बोलो। बोले उसका भला, ना बोले उसका भी भला। हमने बोला था एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों का सेम टू सेम हो जाएगा। देयरफॉर गिवन दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ, सॉरी मैंने मॉड बोला, गलत बोला, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू रूट पाँच। ये हो गया मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू रूट पाँच। और दुनिया का सत्य है, क्या सत्य है? स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल। सो ये दोनों आपस में लड़ेंगे, ये दोनों आपस में लड़ेंगे और चले जाएंगे। सो ये सॉल्यूशन गिवन दैट मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू रूट पाँच। एक एक मॉड को जीरो करा देंगे। मॉड को जीरो नहीं करेंगे, मॉड का जो अंदर वाला क्वांटिटी है उसको जीरो करेंगे। ये आएगा एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो देयर फॉर एक्स इक्वल टू वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो देयर फॉर एक्स इक्वल टू टू। नाउ कॉमा क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, 1, 2। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए रे? चेक 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 ना, तीन। जब तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए तो रीजन कितने बनेंगे? चार। कितने बनेंगे रे? चार। तो जरा नीचे गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको मैं ऊपर करा देता हूँ, बराबर है? ऊपर लिखने से जरा फ़ायदा ज़्यादा होगा। सो ये बोर्ड ज़रा ज़्यादा यूटिलाइज करने को मिलेगा अपने को सॉल्यूशन में। गिवन दैट मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू रूट फाइव, क्रिटिकल पॉइंट्स आर। ये बराबर लिखा है क्या? प्लस माइनस प्लस बराबर लिखा है। सो अब क्या करते रे? नंबर लाइन ड्रॉ करते। वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। ये जरा ऊपर नीचे हो गया, तो इसको ज़रा मैंने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। एक पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा आ गया एक्स इक्वल टू वन, तीसरा आ गया
एक्स इक्वल टू टू, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक्स लेस देन ज़ीरो लेफ्ट में है, लेस देन ज़ीरो राइट में है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। लेफ्ट में है लेस देन वन, राइट में है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। लेफ्ट में है लेस देन टू, राइट में है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू। ये रीजन अरे ये रीजन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट में है, इसीलिए सभी माइनस के साथ ओपन होंगे। ये माइनस के साथ ओपन हुआ, ये माइनस के साथ ओपन हुआ, माइनस माइनस इज प्लस, ये माइनस के साथ ओपन हो गया माइनस, सो इट इज माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन। एक्स एक्स चला गया, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, नहीं तो रहने दो इधर, दिस इज टू माइनस वन इज वन, उधर जाके प्लस हो गया, सो एक्स इक्वल टू आ गया वन माइनस रूट फाइव। देखो भाई रूट फाइव का वैल्यू दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है तो ये निगेटिव नंबर होगा। अरे निगेटिव नंबर होगा नहीं होगा, यस इट इज निगेटिव नंबर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन माइनस राइट फाइव लाइज इन द रीजन एक्स लेस देन फोर, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। देखो इधर वाला रीजन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट में है, इसीलिए सभी को निगेटिव लेके सॉल्व किया। ये आया वन माइनस रूट फाइव, वन माइनस रूट फाइव का वैल्यू निगेटिव है और ये निगेटिव रीजन ही है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव लाइज इन द रीजन एक्स लेस देन ज़ीरो, हेंस इट इज अ सॉल्यूशन। अभी ये रीजन जीरो के राइट में है, वन के लेफ्ट में है, टू के लेफ्ट में है। वन के राइट में है बोले तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव इट इज़ पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, एक्स प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू पाँच, पाँच नहीं रूट पाँच, ये दोनों चला गया एंड एक्स इक्वल टू प्लस वन उधर जाके माइनस वन हुआ, इट इज रूट फाइव माइनस वन। रूट फाइव बोले तो टू पॉइंट समथिंग, अरे है नहीं है यू कैन चेक। सो इसका वैल्यू एक से ज़्यादा होगा, रूट फाइव माइनस वन इज ग्रेटर देन वन, लेकिन रीजन हमारा क्या है लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन तो ये रीजन है, ये रीजन हमारा क्या है लेस देन वन है। सो डू नॉट लाइज इन द रीजन दे आर फॉर नो सॉल्यूशन। सो पहले में देखा सॉल्यूशन है, दूसरे में देखा नो सॉल्यूशन है, अब चलते तीसरे रीजन में। देखो तीसरा क्या है, जीरो के राइट में है, वन के राइट में है लेकिन टू के लेफ्ट में है,
लेफ्ट में आया तो निगेटिव के साथ ओपन करना, राइट में आया तो पॉजिटिव के साथ ओपन करना। सो ये हो गया प्लस एक्स, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस एज इट इज रहेगा, और ये निगेटिव के साथ ओपन होगा एक्स माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू रूट पाँच, पाँच और एक तीन, सो माइनस एक्स इक्वल टू, और एक्स आ गया देखो रूट पाँच बोले तो टू पॉइंट समथिंग, थ्री माइनस टू पॉइंट समथिंग बोले तो पॉइंट नाइन पॉइंट एट या पॉइंट सेवन होगा। नाउ पॉइंट नाइन पॉइंट एट या पॉइंट सेवन, ये रीजन ही कहाँ से चालू हुआ रे, वन से, तो पॉइंट में जीरो पॉइंट नाइन से लेकर जीरो पॉइंट वन तक इसमें आने का कोई चांस नहीं है। नाउ डू नॉट लाइज इन द रीजन कॉमा नो सॉल्यूशन। ठीक, देखो यहाँ तीन मॉड्यूलस हैं, दोनों का सब्सट्रैक्शन है, एक का एडिशन है, और इक्वल टू रूट कांस्टेंट दे दिया है। सो तीनों का एडिशन देके आरईएचएस में कुछ एक्स दे सकते, मॉड्यूलस देते तो उसको उधर ट्रांसफ़र करा देते थे। नाउ दिस इज, ये रीजन सभी के पॉजिटिव में है, है सभी के पॉजिटिव में बोले तो सभी के राइट में है, और सभी के राइट में होगा तो ऑल आर ओपनिंग विथ पॉजिटिव साइन। एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू रूट पाँच, एक्स इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव बोले तो टू पॉइंट कुछ तो होगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री पॉइंट कुछ तो भी होगा, लेकिन ये रीजन क्या है, टू से बड़ा है, तो ये क्या हो रहा है, लाइज इन द रीजन, लाइज इन द रीजन टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, देयर फोर एक्स इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन इज द सोल्यूशन। देखो भाई, दिया हुआ पहला प्रॉब्लम था स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को हम मॉड ऑफ एक्स लिखते, मॉड्यूलस में कन्वर्ट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, अरे हाँ ना, सो लेफ्ट में ये रीजन सभी के लेफ्ट में, सबको निगेटिव के साथ ओपन किया, एक्स का वैल्यू वन माइनस रूट फाइव आया, और पता चला इट लाइज इन द रीजन, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन वन। सो बाबू जीरो वाला राइट में है, पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, बाकी एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू निगेटिव के साथ ओपन कर दिया, तो ये वैल्यू जो आया रीजन में नहीं है। यहाँ एक्स इक्वल टू वन पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन एक्स इक्वल टू टू वाला मॉड्यूलस निगेटिव के साथ ओपन हो गया, सिंप्लीफाई किया रीजन में नहीं है। ये रीजन सभी के लिए पॉजिटिव है, अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, यस यस यस। सो ये जो वैल्यू आया ये रीजन में है। सो इन ऑल टोटल इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस रे, इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस रे,
इट हैज टू सॉल्यूशंस, मिटा दो। इट हैज टू सॉल्यूशंस, एक्स इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव एंड एक्स इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव। ठीक है ना, अभी इसका सम पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, पूछा नहीं निकाल देंगे। ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ये आया टू। ये प्रॉब्लम में पूछा नहीं है, यदि पूछते तो क्या करते, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कितने सॉल्यूशंस आ गए रे, इसको कितने सॉल्यूशंस आ गए रे, इट हैज, अरे इट हैज टू सॉल्यूशंस, बराबर। और हमें यही पूछा था कि इसके कितने सॉल्यूशंस है निकालो ना। ये प्रॉब्लम में की स्टेप कौन सा था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एनी डाउट, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते, तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।